है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, आज उन्होंने एक संकेत दे दिया और आजमगढ़ के धरती से आजमगढ़ के मंडल के लोग जो आए हुए हैं उससे साफ जाहिर है कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की बनेगी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ जी, बाकी कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है। इनके साथ में मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम वोट देंगे, इनका वोट ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में पड़ेगा और जो कृषि जी है कौन है ये कुछ परसेंट जो वोट मुसलमानों का कटेगा, बाकी वोट बीएसपी को पड़ना है और बहन जी का सरकार बननी है। क्या अच्छा नज़र आता है बहन जी को? नज़र बहन जी के 4 साल के शासन में बहुत अच्छा शासन उन्होंने किया, समाज के बारे में उन्होंने सोचा, नौकरी उन्होंने दिया, सारा रिकॉर्ड उनका कायम है, इसलिए जनता चाहती है। और बाबा तो मंदिर बनवा रहे हैं आपके लिए, कौन सा? उस मंदिर से हमारा कोई मतलब नहीं है, उस मंदिर से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप मंदिर की बात करें, चुनिए चुप रहिए, आप मंदिर की बात किए ठीक है? नहीं नहीं सरकार, हाँ मतलब सरकार कह रही है मंदिर की बात, ठीक है? अगर मंदिर से हमको कोई लाभ मिलता हो आप बताइए, मंदिर में अगर हम बैठेंगे तो हमको शिक्षा मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलती क्या मंदिर? नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी शिक्षा हमको? स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से और सारे मतलब वहाँ पे जाने से, हाँ और क्या सिखाया जाता है? और मैं बताता हूँ, मोदी जी जो ये झोला दिए हैं, अगर वो 500, आप एक छोटा सा अगर पोस्टर छपवाने जाइए तो 300-400 रुपये का एक पोस्टर लगता है। अगर वो एक झोले पे अगर कुछ भी कितना भी पैसा खर्चा किए होंगे तो 500 रुपये, और उसमें चावल और गेहूँ और जो भी जो चीज़ दिया जा रहा हमको वो कितने का होगा? सिर्फ 150 का, और उसमें भी कंकड़ पत्थर और आदि चीज़ डाल के दिया जा रहा है। दे तो रहे हैं लेकिन आप लोग तो सुनिए ना, अभी अगर दिया जा रहा है उससे हमको पेट में जाएंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। आप प्लस पूछिए, अगर आप बताइए कि ये जो सांड छोड़े हैं उससे ज़्यादा खूर से तो हमारी जितना जनता की जितना खेती है सब खराब हो रहा है, अगर जितना दे नहीं रही है उससे ज़्यादा तो हमारा खराब हो जा रहा है। मोदी तो माला फ्री, मोदी तो फ्री माला सिलेंडर दे देना, 1,000 रुपया सिलेंडर का देना, जब हम 400-300 का काम करते हैं तो 1,000 आई कहाँ से? हाँ फिर भी जब मोदी ने मतलब वाला फ्री सिलेंडर दे दिया, वोट किसको दोगे ये बताओ? मायावती को देंगे। क्यों? कह रहे हमार बहन जी है, हमको सब आराम है। अच्छा, हाँ। और अखिलेश यादव? हाँ अखिलेश यादव क्या, जो हम बहन जी को मानते हैं, बहन जी हमारे काम में, आप बहन जी को मानते हैं? अरे भाई हमारी बिरादरी है, हमारे काम। आप पोस्टर लेके खड़े हैं जी, बताइए आजमगढ़ का माहौल? ये पूरे यूपी का माहौल है, ये आजमगढ़ का सिर्फ माहौल नहीं है। पांच चरणों की वोटिंग हो चली है सर? जी हो चुकी है, लेकिन ये पूरे यूपी की जनादेश बोल रही है कि बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश की जो पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सूबे की जो उत्तर प्रदेश है इसमें बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मीडिया तो कुछ और ही कह रहा है, मीडिया बिकाऊ मीडिया क्या कहेगी? गोदी मीडिया जो कभी हकीकत को कह नहीं सकती है, अगर जमीनी हकीकत को दिखाती तो इसको गोदी मीडिया नाम नहीं दिया जाता। हकीकत क्या है तुम बता दीजिए, हम दिखाएंगे। हकीकत आप देख लीजिए, आप देख लीजिए और बता दीजिए कि यहाँ जन सैलाब क्या कर रहा है। ये जन सैलाब वोट में भी कन्वर्ट होगा? बिल्कुल कन्वर्ट होगा, और ये वो वोटर है, ये वो सपोर्टर है जो पैसे पे नहीं बल्कि बहन जी के कैडर के द्वारा आया है, ये किसी के पैसे नहीं, ये अपने दम पे आता है। और ये बहुजन समाज पार्टी का माननीय कांशीराम साहब का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ये उपजाया हुआ कार्यकर्ता है। जी की रैलियां सबसे बड़ी रैलियां होती है पर वोट नहीं मिल पाता, ये सिर्फ आप लोग कहते हैं, जो जितना रैलियां होती है ये इस बार वोट भी होता है। अच्छा वोट, ये जन सैलाब क्या कर रहा है? ये जन परिवर्तन नहीं, आपको बता देना चाहते हैं, जो आप अभी कहे हैं कि जो बहन जी की रैलियां बड़ी होती है वोट कन्वर्ट नहीं होता है, भले ही हमारे सीट कम निकलते हैं लेकिन परसेंटेज के मायने में आज भी हम विपक्षियों से आगे हैं, इस बात को आपको बता देना चाहते हैं। तो फिर आपको
पीछे क्यों कर दिया जा रहा है? अगर हम एक कोर्ट से हारते हैं, मान लीजिए आप 100 वोट पा गए, हम एक कोर्ट पा गए, तो किस आधार पे आप कह सकते हैं कि पीछे है? ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं से जान बूझ के किया जा रहा है सब कुछ। हाँ, बजन बजन क्या जान बूझ करके किया जा रहा है? जैसा कि बीएसपी रेस में नहीं है चुनाव, ये जान बूझ करके किया जा रहा है, ये डाइवर्जन किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन किया जा रहा है, और यही डाइवर्जन करके आजमगढ़ में जीत रही है बीएसपी। आजमगढ़ में नहीं, पूरे यूपी में जीत रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पूरे यूपी में बीएसपी छा रही है, आ रही है पूरे, कोई नहीं उसको रोक सकता। दुनिया की पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को कोई नहीं रोक सकता, बीएसपी आ रही है। ना तो अखबार देखते हैं, ना न्यूज देखते हैं, लेकिन उनके वोटर जो है वही देंगे, ये जनसंख्या बता। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को नौकरी चाहिए। योगी की सरकार में 69,500 वैकेंसी जो हुई है, सब फर्जी जो घूमने वाले नौकरी पा गए हैं, पढ़ने वाले घूम रहे हैं मैदान में। ऐसी नौकरी, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को, गुंडा राज नहीं चाहिए। सपा सरकार हमेशा बहुजनों के जो है विरुद्ध काम किया है, बहुजन के जितने वो हैं काम उन्होंने परिवर्तन किया है। संत कबीर नगर को उन्होंने भदोही चेंज कर दिया, और जो है प्रमोशन का वो था सबसे पहले सपा सरकार ही ने लागू कर दिया, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन था। और कहते हैं कि हम जो है अम्बेडकरवादी के सिद्धांत पे चलते हैं, कुछ नहीं चलते, सपा बिल्कुल निरर्थक है। सर, पूर्वांचल की पूरी सीटों पर प्रभाव जी का है, और सर्व समाज पूरा बसपा को सपोर्ट कर रहा है, पूर्व बहुमत से सरकार 250+ सीट निकलेगी बसपा की। और बीएसपी के सरकार में कोई बच्चा जान गया कि टीचर क्या होता है। 88,000 बीटीसी की वैकेंसी बीएसपी ने निकाली, तभी से सभी लोग जान गए कि मुझे बीएड करना है, बीटीसी करना है। आप पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं मुझे देखने से, क्या काम पे, शिक्षा पे, रोजगार पे जनता वोट करती है क्या यूपी की? क्यों नहीं करती है सर, ये सब सिर्फ छलवा है, जो वोट मशीनों में जो गड़बड़ी करते हैं इसके वजह से वोट बीएसपी का। तो सर बीजेपी ने तो फिर विकास की बात करी है। विकास कुछ नहीं किया सर। तो फिर वोट कैसे मिल गया उनको सर? ये सब सर मशीनों में गड़बड़ी की वजह से हुआ सर, मशीनों में गड़बड़ी की वजह से हुआ है। तो पूर्वांचल की जनता बीएसपी को चाह रही है जी सर, अब की बार बहुमत से सरकार बन रही है बीएसपी की, और सरकारी नौकरी अगर दे सकती है तो सिर्फ बहन जी दे सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और सभी लोग चाह रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बने, और पूर्व बहुमत सरकार बन रही, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आप बताइए क्या कहोगे? रैली में सुना बहन जी का भाषण? जी सर, बहुत बढ़िया से सुने हैं सर। बहुत बहन जी तो यही कही हैं कि हमारी सरकार यदि आ जाए, हमारी सरकार यदि आ जाती तो ये वादा नहीं करती हैं, एक कर दिखाती हैं। हाँ, पर अब तो वादा करने वालों को वोट दे रही ना जनता, कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई बिजली फ्री बांट रहा है, तो ये बोलती नहीं है। ये जो हाथी है ना, जिसके ऊपर पैर रखती है ना, तो मिट्टी जैसी है, उसी तरह एकदम मिक्स हो जाती है। अच्छा जी, तो हाथी चलेगा इस बार? जी हाथी चलेगा, पूर्ण बहुमत से सरकार इस बार आ रही है, बहुमत से आ रही। जी इस समय 250 पार आएगी। क्या समीकरण बनना है? समीकरण बहुत बहुत अच्छी तरह से बनेगा। क्या बनना है बताइए? बहुत अच्छी तरीके से दिखिएगा। कौन कौन से समाज आपके साथ आ रहे हैं? हमारे समाज में ब्राह्मण भी आ रहे हैं, हर समाज के आ रहे हैं।